सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द सॉल्ट्स पार्ट. ठीक है, एसिड बेस हमने पढ़ लिया हुआ. अब कुछ ऑफ द कॉमन सॉल्ट्स जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, ब्लीचिंग पाउडर, एंड द लास्ट इज POP दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है, तो ये सॉल्ट्स आपने पढ़ने. ओके, तो फर्स्टली वी विल बी स्टार्टिंग विद वेरी सिंपल वन दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. अब इन सब की फॉर्मेशन के लिए यू विल सी कि जो इनका रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं दैट इज वेरी वेरी कॉमन एंड दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड आल्सो. ठीक है, इन सब के लिए जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं वी स्टार्ट फ्रॉम द NaCl. NaCl इज कॉमन सॉल्ट. ठीक है, कॉमन सॉल्ट आपको कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द सी वाटर. ठीक है, तो सी वाटर में क्या होते हैं? डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, हम उनको इवेपोरेट करवा लेते हैं, वहां से हमें क्या मिलते हैं? सॉल्ट्स. ओके, सो NaCl इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी वाटर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट. ठीक है, अब इसकी प्रोडक्शन के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन के लिए वी विल बी यूजिंग द ब्राइन सॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? हां जी बेटा, व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? दिस इज द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl. सो NaCl का हमने एक्वा सॉल्यूशन लेना है, पानी में सॉल्यूशन लेना है, राइट? दैट विल बी यूजिंग in order to obtain the sodium hydroxide. अब इस method को most commonly हम किस name से बुलाते हैं? क्लोर alkali process. The production of sodium hydroxide from the sodium chloride, this process is known as क्लोर alkali process. अब इसका नाम ऐसे क्यों डला है? क्लोर का मतलब यहां से है दैट वी विल बी प्रोड्यूसिंग क्लोरीन गैस. एल्कली कौन है? एल्कली कौन है? NaOH. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एल्कली. ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास क्या क्या आता है? NaOH आता है और क्या बनती है? क्लोरीन गैस इज फॉर्म. सो दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज नेम्ड सो. अब करना क्या है हमने? एज आई टोल्ड यू दैट वी विल बी टेकिंग द ब्राइन सॉल्यूशन. तो NaCl का हमने एक्वा सॉल्यूशन लेना है एंड वी विल बी पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दिस सॉल्यूशन. तो इस सॉल्यूशन में से हमने क्या पास करवानी है? इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा? सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट, हाइड्रोजन गैस विल बी. ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, क्लोरीन गैस बनेगी एंड NaOH द बेस विल बी फॉर्म. ठीक है, क्लोरीन गैस एनोड पे फॉर्म होगी, दैट इज एक्चुअली कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म दैट विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. ठीक है, NaOH भी जो है वो आपका स्लाइटली कैथोड साइड ही प्रोड्यूस होगा. ठीक है, NaOH भी जो आपका है दैट विल ऑल्सो बी वेरी स्लाइट टू द कैथोड. क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए. NaOH को हम और क्या कहते हैं बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा NaOH को That is also called caustic soda. That is also called caustic soda. Okay. Now tell me some of the uses of NaOH, hydrogen gas and chlorine gas. So, सबसे पहले NaOH के uses बताओ मुझे क्या क्या हैं?
NaOH के यूजर्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स प्रोड्यूस करते हैं हम, ठीक है, जो सोप्स डिटर्जेंट्स है उनसे प्रोड्यूस होते हैं, यू कैन राइट डाउन. इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स डिटर्जेंट्स पेपर. It is used in the manufacturing of soaps, detergents, paper. It is also used in petroleum refinery. Petroleum refining में भी use होता है ये. पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आल्सो. फॉर डीग्रीजिंग सम ऑफ द मेटल्स, फॉर डीग्रीजिंग ऑफ सम ऑफ द मेटल्स, मेटल्स के लिए, मशीन्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हो. प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, एल्यूमिनियम के ओर की अगर आपने प्यूरिफिकेशन करनी है, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर, तो एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट, उसकी अगर आपने प्यूरिफिकेशन करनी है, देन वी विल बी यूजिंग द NaOH फॉर दैट. ठीक है, दीज आर द यूजेस ऑफ NaOH. क्लियर हो गया बेटा ये? करें आगे. चलिए नेक्स्ट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH. द NaOH वी हैव फॉर्म्ड, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दैट. आपने NaOH देखा हुआ है? NaOH देखा है? नहीं. ओके, NaOH इज बेसिकली वाइट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म. ठीक है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है हमारे पास, पैलेट्स होते हैं. सो दिस इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. ओके, दिस इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब ये क्या है? इट इज एक्टिंग एज अ बेस, सो इट कैन रेडिली रिएक्ट विद सम ऑफ द एसिड इन ऑर्डर टू अंडरगो द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, तो ये बेस है, इजिली आप किसी भी एसिड के साथ इसको कंबाइन करवा सकते हो, राइट, इन ऑर्डर टू गिव द सॉल्ट एंड वाटर. ओके, सो दैट मींस दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन, वेयर वी हैविंग एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेस टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, बेसिस हम प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं, दैट बेसिस दे आर सोपी टू टच. Okay, so it is soapy to touch, bitter in taste. Okay, and that is also a little bit corrosive. ठीक है, NaOH जो है वो थोड़ा सा corrosive होता है skin के लिए. तो अगर आप ये palates को hold करते हो तो you will be getting some of the skin infections or rashes हो सकते हैं. ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा strong है ये NaOH. Okay. NaOH is strong. And one more phenomena that is also very very important, that NaOH is deliquescent. Kya meaning hota hai deliquescent ka? NaOH is deliquescent in nature.
NaOH is deliquescent in nature. Have you heard this term before? अब deliquescent का मतलब क्या होता है कि जब आप इसको एयर में रखते हो, ठीक है, तो ये पिघलना शुरू हो जाता है, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग. ओके, सो इफ इट इज प्रोलॉन्ग एक्सपोज्ड टू द एयर देन द सॉलिड क्रिस्टल्स दे विल स्टार्ट मेल्टिंग एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज deliquescence. इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? deliquescence कहते हैं. यू कैन राइट डाउन. हां जी, है मॉइस्चर के कारण इट इज रिसीविंग द वॉटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो NaOH जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, NaOH ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए पिघलना शुरू हो जाता है. बट अगर आप इसको बहुत देर तक प्रोलॉन्ग कर रहे हो, बहुत देर तक उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, तो इट फॉर्म्स सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर. ठीक है, तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर फॉर्म करता है. ओके, सो इट इज द deliquescence ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. तो सोडियम कार्बोनेट के कारण ये क्या है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, क्योंकि NaOH नहीं रहता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट. ओके, प्रॉपर्टीज क्लियर हैं? क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? दिस इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज deliquescence इन नेचर, दैट मींस इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर. ठीक है, एंड इफ इट इज प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड देन दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. और they are soapy to touch and they are corrosive to skin and it reacts with acid to form neutralization. वैसे भी स्किन्स के साथ हो जाता है, स्किन है पेपर के साथ भी कर जाएगा. मैंने आपको उस दिन दिखाए तो थे एसिड्स, जब मैं पीएच पेपर पे डाल रही थी तो वो पेपर ही उसमें से निकल रहा था. ठीक है, तो पेपर होगा, ये चीजें यूज करते हैं या तो हाथ से होल्ड करते हैं. ठीक है, जो दूसरी चीजें होती है टांग्स वगैरह, उन पर तो कोई असर नहीं करेगा क्योंकि वो तो मेटल्स के होते हैं. क्या पेपर के साथ वो कर सकता है या आपकी स्किन के साथ रिएक्ट कर सकता है. ठीक है, आगे लिखिए बेटा. नेक्स्ट राइट डाउन द यूजेस ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन. नेक्स्ट राइट डाउन द यूजेस ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन. हां जी, स्टैंड अप दिलप्रीत. दिलप्रीत स्टैंड अप बेटा. Anyone use of chlorine? कोई एक यूज क्लोरीन का, बहुत छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ के आता है इस पे. चल फिर आजा सेकंड एक्स पे या फर्स्ट एक्स पे आजा. सेकंड फर्स्ट पे आजा, फर्स्ट पे आजा. इनसे पूछने दो पहले. फर्स्ट पे, फर्स्ट पे. सीधा बैठ जा अब, इसके बाद मैंने बाहर दिखा देना. चलते बाहर बैठ. इट कैन बी यूज एज जर्मिसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट. ठीक है, तो जब हम वाटर को स्टरलाइज करते हैं उसमें हम इसको एज डिसइंफेक्टेंट की तरह जो है वो यूज कर सकते हैं, जिससे ये क्या करता है, जो आपके बैक्टीरियाज है उनको क्या कर देता है, किल कर देता है. ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स लाइक पीवीसी.
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है, जैसे पीवीसी हो गया आपका. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी? पॉली विनाइल क्लोराइड, सीएफसी. व्हाट इज सीएफसी? क्लोरो क्लोरो कार्बन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म. ठीक है, तो हम क्लोरोफॉर्म्स भी जो है वो प्रिपेयर करते हैं यूजिंग दी क्लोरीन गैस. ओके, नेक्स्ट यू कैन राइट डाउन. इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, यूज्ड इन द प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स और अदर ऑर्गेनिक केमिकल्स फॉर्म करने में. जैसे HCl की प्रोडक्शन करनी है आपने, ठीक है, तो HCl प्रोड्यूस करवाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर के लिए आप इसको यूज कर सकते हो. फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम अदर केमिकल्स. ओके, सो दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ क्लोरीन. नेक्स्ट राइट डाउन द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है. बताओ, सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन? फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाह. और सबसे इंपॉर्टेंट यूज बताया इसमें कार्तिक ने. और सो फर्स्टली इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ घी, वनस्पति ऑयल्स, ठीक है, इनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग द हाइड्रोजन गैस. ओके, सो दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ घी. And this is a special type of reaction that we known as hydrogenation reaction. ये हम आगे पढ़ेंगे carbon compounds. बेटा घी नहीं आते हैं, डालडा घी? डालडा घी नहीं आते हैं? Oils के अलावा एक घी भी आते हैं, that are in the solid form. ठीक है, वो वनस्पति घी होते हैं, that are formed from the oils. जो ऑयल्स होते हैं आपके, उनको हम क्या करते हैं, वी कन्वर्ट देम इनटू द सॉलिड फॉर्म, ठीक है, बाय द हाइड्रोजनेशन मेथड, राइट. सो इट इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स. हाइड्रोजन एज इकोनॉमी, हाइड्रोजन को आप कैसे यूज कर सकते हो? और हाइड्रोजन कैन बी यूज एज फ्यूल ऑल्सो, ठीक है, रॉकेट फ्यूल या नॉर्मल फ्यूल्स की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है. ठीक है, जब ये बर्न करता है तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है. ओके, दैट कैन ऑल्सो बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसर गैस. कौन से ऑयल्स में? नहीं नहीं वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस भी बनती है इससे. वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. ठीक है, ये हम बना सकते हैं इनसे. और सम ऑफ द केमिकल्स हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे अल्कोहल, मीथेनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, HCl प्रिपेयर कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स.
तो केमिकल्स में आप कुछ भी ले सकते हो, अल्कोहल प्रोड्यूस करवाना है आपने, हाइड्रोक्लोरिक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ओके, सो दे आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन गैस, ओके। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेकेंड वन, दैट इज बेकिंग सोडा। द सेकेंड वन इज, चल केशव बता बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? यूजर्स ने पूछे हैं फॉर्मूला, वेरी गुड। Anyone who can tell the formula of baking soda? Very good. So baking soda is actually NaHCO3. इसके अलावा इसका अगर हम chemical name देखें तो that is sodium hydrogen carbonate. अगर आपने हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं लिखना है तो सिंपली यू कैन राइट एज सोडियम बाइकार्बोनेट, बस, ओके। अब इसकी सिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं, यानी कि हम इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो लाइक आई सेड, कि हमने सारे जो सॉल्ट है अपने सिंथेसाइज करने हैं फ्रॉम द NaCl, ठीक है? तो ये भी सॉल्ट हमारा NaCl से सिंथेसाइज होगा, NaCl प्लस अमोनिया